जय हिंद दोस्तों। प्रेस रिलीज जारी हुई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और ये प्रेस रिलीज जारी हुई है डीएलसी से संबंधित जानकारी के लिए। लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में माइग्रेट होने वाले और जो माइग्रेट नहीं हुए उनके लिए एक नया प्रेस रिलीज जारी हुई है, इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले प्रेस रिलीज दिखा देते हैं कहाँ पे है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेस रिलीज है जिसमें एमओडी का ये लेटर है, इसको करेंगे तो नेक्स्ट पेज खुलेगा। इसमें आप देखेंगे जो प्रेस रिलीज जारी हुई है इसमें एमओडी कई चीजें इसमें बताई गई हैं। एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव एक्सटेंशन ऑफ पेंशन पेमेंट फॉर 3 मंथ ऑफ फॉर बैंक पेंशनर माइग्रेटेड टू स्पर्स हुज आइडेंटिफिकेशन वाज ड्यू ऑन नवंबर 2022। ये जारी हुई है प्रेस रिलीज आज 30 नवंबर 2022 को 3:34 पर, यानी कि शाम को 3:34 पर जारी हुई है। इसमें यह कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अप्रूव्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव कर दिया है एक्सटेंशन ऑफ 3 मंथ पेमेंट, जो पेंशन आ रही है 3 महीने के लिए आपका एक्सटेंशन कर दिया है फॉर बैंक्स पेंशनर्स हु माइग्रेटेड टू स्पर्स, जो माइग्रेट हो गए स्पर्स में, सिस्टम फॉर पेंशनर्स रक्षा हुज आइडेंटिफिकेशन वाज ड्यू ऑन नवंबर, जिनकी आइडेंटिफिकेशन नवंबर में ड्यू थी। इसका मैंने पहले जो लेटर पीसीडीए ने एमओडी को दिया था वो लेटर अब अप्रूव किया गया है और आज ही अप्रूव हुआ है। इट इज रिटायर्ड दैट द प्रोसेस ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, यानी कि जो सालाना की लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं वो अब आपकी 3 महीने का एक्सटेंशन कर दिया गया है। बिना आपके कुछ भरे जो लाइफ सर्टिफिकेट भरते हैं अब आप 3 महीने तक नहीं भरेंगे तब भी आपकी पेंशन क्रेडिट होती रहेगी टाइमली। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है फरवरी 2023 तक, जिनका नवंबर में ड्यू थी और फरवरी 2023 तक उनको भरनी ही होगी, नहीं तो उनकी पेंशन जो चल रही है उसको बंद कर दिया जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनकी पेंशन आज क्रेडिट हुई है कई लोगों की और कई लोगों की नहीं हुई है, लेकिन परेशान ना हो, आज नहीं तो कल तक हो जाएगी। जिनकी क्रेडिट नहीं हुई है वो इतना परेशान ना हो, आज अगर नहीं हो रही है तो कल हो जाएगी। अगर कल नहीं हो रही है तो समझ जाना आपकी डीएलसी में कोई कमी रह गई है, इसलिए आपकी क्रेडिट नहीं हुई है, आपकी पेंशन बंद कर दी गई है। ये बंद पेंशन उनकी हो रही है जिनकी आइडेंटिफिकेशन पिछले, जो अभी माइग्रेट नहीं हुए हैं उनकी बंद की गई है, लेकिन जो माइग्रेट हो गए हैं और उन्होंने डीएलसी नवंबर में उनकी ड्यू थी नहीं भरी है उनकी बंद नहीं की गई है। इसमें यह कहा गया है आप लाइफ सर्टिफिकेट कैसे भरेंगे उसके कई रीजन तरीके बताए गए हैं, वाया डिजिटल जीवन प्रमाण ऑनलाइन या जीवन प्रमाण फेस ऐप, इसके लिए इन्होंने इंस्टॉलेशन करके और यूज करने के लिए ये लिंक भी दिया है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिनको फेस ऐप के माध्यम से डीएलसी भरना है अपने मोबाइल से स्मार्टफोन एंड्रॉयड यूजर्स के लिए, इसके बाद स्पर्श पेंशनर प्लीज चूज सैंक्शन अथॉरिटी, जब भर रहे हैं जब स्पर्श यूजर जब भरेंगे जो माइग्रेट हो गए हैं उनको ये ध्यान रखना है, जब जब सैंक्शन अथॉरिटी भरेंगे तो डिफेंस पीसीडीए पी इलाहाबाद भरेंगे, और जब डिसबर्सिंग एजेंसी डिसबर्सिंग अथॉरिटी भरेंगे स्पर्श पीसीडीए पी पेंशन इलाहाबाद भरने। ये दो चीज बार बार बताई जा रही है और सभी पेंशनर्स ज्यादातर इन दो चीजों को भरने में गलत कर रहे हैं, यानी कि स्पर्श नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पेंशन रोकी जा रही है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें, जो भी पेंशनर डीएलसी भर रहे हैं उन्होंने स्पर्श सेलेक्ट किया है डिसबर्सिंग अथॉरिटी में, तभी उनकी डीएलसी सही भरी है। दूसरा पॉइंट है पेंशनर कैन बी कंप्लीटेड एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, तो उनके लिए ये भी लिंक दिया हुआ है, स्पर्श का लिंक है, आपको एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट और एमएलसी डाउनलोड करके अपलोड करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पूरे लेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाय सिलेक्टिंग आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आप एमएलसी भर सकते हैं डाउनलोड करके, और डीएलसी यानी कि आधार बेस्ड डीएलसी भी भर सकते हैं। इसके बाद पेंशनर में भी विजिट फॉर कंप्लीटिंग देयर एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, यानी कि अपनी एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं नियरेस्ट सर्विस सेंटर एस्टेब्लिश फॉलोइंग एजेंसी। कौन कौन सी है, कॉमन सर्विस सेंटर है, जो कि आपका ये लिंक दिया हुआ है, सारे कॉमन सर्विस सेंटर मिल जाएंगे जो भी डीएलसी भरेंगे आपकी। इसके बाद नियरेस्ट डीपीडीओ और डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट सर्विस सेंटर भी है,
इसके बाद सबसे अच्छी चीज है सर्विस सेंटर स्टेब्लिश एसबीआई पीएनबी। तो आप पहले से पता है कि एसबीआई पीएनबी में डीएलसी भरी जाती थी, लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी से भी करार कर दिया गया था, जो लेटर पहले मैंने वीडियो बना दिया था, एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी डीएलसी भर सकते हैं। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक में भी डीएलसी भर सकते हैं। इसके लिए अब जो ये एसबीआई कोटक और जितने बैंक हैं इनके सर्विस सेंटर देखने के लिए ये लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके सारे लिंक मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ, इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा, इसमें देख सकते हैं सारे सर्विस सेंटर आपके आ जाएंगे, जितने भी सर्विस सेंटर है। इधर से सर्च करके जो भी आपको सर्च करना है, जैसे जैसे आपको नागपुर सेलेक्ट करना है, नाग जैसे करेंगे नागपुर, तो सारे आ जाएंगे, जितने भी नागपुर के होंगे सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से अपना इधर सेलेक्ट करके आप चूज कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके बाद पूरी इसमें जानकारी दी है आपको, जो लेगेसी पेंशनर्स प्री 2016, जो प्री 2016 वाले हैं, हु हैज नॉट एट माइग्रेट, जो माइग्रेट नहीं हुए इस वर्ष में, उनकी लाइफ सर्टिफिकेट के लिए जैसे प्रीवियस ईयर उन्होंने भरी थी वैसे ही लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र या एमएलसी जैसे भर रहे थे वैसे भरते रहें। और उसमें जो सेलेक्ट करेंगे, जो डिफेंस वाले करेंगे, सीडीए एयरफोर्स वाले करेंगे सुब्रतो पार, और डिफेंस पीसीडीए इलाहाबाद ये सेलेक्ट करेंगे, और डिफेंस पीसीडीए नेवी मुंबई वाले सेलेक्ट करेंगे। डिस्बर्सिंग एजेंसी इतना ध्यान रखें, जो नेवी है एयरफोर्स वाले अपना जो पहले भर रहे थे उसी हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। आर्मी वाले पीसीडीए पी प्रयागराज, जो माइग्रेट नहीं हुए हैं वही सेलेक्ट करेंगे, प्री 2016 में जो माइग्रेट नहीं हुए हैं इस तरह से डीएलसी भरेंगे जैसे पहले भर रहे थे। तो ये जानकारी दी है आज, इसकी भी जो अप्रूव हुआ है एमओडी से, इसकी भी आज ही अप्रूव हुआ है। तो अब आप डीएलसी के लिए बिल्कुल 3 महीने टाइम दे दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।